हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कॉफी शेकिंग मशीन घर पे कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक मोटर का यूज, एक टी शेप के रिफिल का यूज जिसे हमने बनाया है, एक पेन को आधा काट के उसके ऊपर एक रिफिल अटैच किया जो टी के शेप पे दिखती है, एक स्केल, थोड़ा सा टेप, और हमें बैटरी का यूज है, मगर मेरे पास बैटरी नहीं, मेरे पास 3 वोल्ट का अडोप्टर। ये तो फर्स्टली पहले हमें इस होल में इस स्टिक को अटैच करना हो, इस तरह हमने इसको इसमें अटैच कर दिया। इसके बाद हमें इस स्टिक को इसके ऊपर इस तरह अटैच करना है टेप से। अगर आपके पास टेप है तो आप टेप से अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास फेविक्विक है तो फेविक्विक से यूज कर सकते हैं। तो हमें इसको इस तरह इस पर अटैच करना है, तो हमने इसे इस तरह टेप से अटैच कर दिया स्केल के साथ, और अब हम इसे अपने चार्जर के साथ अटैच करेंगे इस तरह। और अडॉप्टर की दूरी यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा वायर लगा के आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। और अब मैंने इसे लॉन्ग वायर से अटैच कर दिया है, जिस स्विच को मैं ऐसे ऑफ करने पे ये ऐसे चलेगा। ये चल रहा है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे पानी में टेस्ट करके, कोई भी चीज़ को मिक्स करके। और अब हम इस वाटर में येलो कलर का कलर डालेंगे और इस मिक्सिंग मशीन को ऑन कर देंगे। कलर हम इस तरह डालेंगे और इस मिक्सिंग मशीन को ऑन कर दिया हमने, ये मिक्सिंग मशीन ऑन हो गई। ये देखिए मिक्सिंग मशीन इसको मिक्स कर दी, आप देख सकते हैं येलो कलर का जूस बन चुका है। ये देखिए ये मिक्स कर रहा है इस वाटर को। ये देखिए मैंने इस वाटर को मिक्स कर दिया। सर प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।